इस सेशन में हमने खाली एक कंप्लीट प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाए देखा था, ये सेंटीग्रेड और फ्लोटिंग पॉइंट का जो पहले के जो सवाल थे ये देखे थे। कंप्यूटिंग में कंपैरिजन और डिसीजन मेकिंग ये बहुत जरूरी है। अभी तक पहले हमने देखा कि जो डंबो को एक के बाद एक हिदायत देते जाओ, प्रोग्राम लिखो अपने आप करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने को ऐसा चाहिए होता है कि वो डंबो जो है वो खाली ब्लाइंडली अपनी सब हिदायतें पालन ना करें, वो कुछ चेक करे। चेक करने के बाद हमें लगे कि भाई ये अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये करो, नहीं तो ये करो। ये जो अल्टरनेटिव हिदायतें जो देनी हो किस तरह से दी जा सकती है, इसके लिए डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग। और इसके लिए हमने ये बताया था कि डिसीजन मेकिंग के लिए एक सवाल पूछा जा सकता है, डंबो को एक हिदायत दी जा सकती है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं इसके लिए। ये इंस्ट्रक्शन है डंबो को कि मिस्टर बुद्धू राम एन की वैल्यू चेक करो, अगर 5 से बड़ी हुई तो इसके आगे जो जो हिदायतें लिखी है वो करो, अगर 5 से बड़ी ना हुई तो दूसरी तरफ जो हिदायतें लिखे हैं वो करो। अब ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अभी तक हमने जो देखा कि डंबो जो है बुद्धू राम जो है वो खाली जो आप हिदायत दे दो 1 2 3 4 5 उसको करता चला जाएगा, लेकिन अब हम बुद्धू राम को ये समझा रहे हैं कि पहले सोचो और देखो हमने जो कंडीशन लिखी है यहाँ पे एन 5 से बड़ा है क्या, अगर ये है तो ये करो ये मत करो, और अगर एन 5 से बड़ा नहीं है तो ये मत करो ये करो। ये समझने में हमें सिंपल है, उसी तरह से बुद्धू राम को भी समझ में आ जाता है अगर इस तरह से हिदायत दी, या तो ये करेगा या दूसरा काम करेगा। इसको हमने एक फ्लो चार्ट के रूप में क्लास में देखा था आपको, तो इस इफ स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत। अब इफ स्टेटमेंट में एक ख्याल रखें आप, ये एन इक्वल टू 5 के बाद अगर एन 5 से बड़ा है तो यहां पे हमने दो चीजें लिखी है कि ए को 23 वैल्यू दे दो, बी को 78 वैल्यू दे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम दो ही चीजें कहें, हमें 50 चीजें भी कह सकते हैं, जितनी भी कहेंगे इस ओपनिंग ब्रास और क्लोजिंग ब्रास के अंदर वो सब की सब हिदायतें तभी वो डंबो एग्जीक्यूट करेगा जब एन की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, अगर नहीं होगी तो सबके सब स्किप कर दे। सो ये जो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कंडीशनल एग्जीक्यूशन बोलते हैं, अगर ये कंडीशन सही है तो ये एग्जीक्यूट करो, नहीं है तो ये एग्जीक्यूट करो। ये दूसरा रिपीटिशन का इंस्ट्रक्शन सेट है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये रिपीटिशन का इंस्ट्रक्शन सेट है कि एक इंस्ट्रक्शन यहां पे दे रखी है हमने, ये अब इस इंस्ट्रक्शन को बार 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 उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं हम, उसके लिए ये हिदायत। तो ये हिदायत जो है फॉर काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू एन, काउंट प्लस प्लस, ये 3 हिदायतें एक हिदायत में। इसका मतलब यह है कि जो ओपनिंग ब्रास और क्लोजिंग ब्रास के बीच में जो भी हमने हिदायतें लिखी होंगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, 1 हो 10 हो 50 हो, वो सब की सब इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट की जाएंगी। कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी उसका निर्णय इस स्टेटमेंट से हो। तो इस स्टेटमेंट का मतलब जैसे आप जान चुके हैं कि शुरू में काउंट की वैल्यू 1 रखो, उस काउंट को चेक करो एन जो वैल्यू है उससे छोटी है बड़ी है। अगर ये काउंट की वैल्यू एन से छोटी है, एक मतलब एन अगर मान लो 5 है, तो इस सी काउंट इनिशियल वैल्यू के साथ अंदर जाओ और इस सिचुएशन में जो भी लिखा होगा एग्जीक्यूट करो, उसके बाद वापस आओ और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, इसमें लिखा है काउंट प्लस प्लस, यानी काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ा के फिर चेक करो एन से छोटी है, फिर अंदर जाओ फिर करो। इसका भी हमने फ्लो चार्ट देखा था। ये जो स्टेटमेंट है ये इटरेशन स्टेटमेंट या रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, ये प्रोग्रामिंग में सबसे महत्वपूर्ण एब्स्ट्रैक्शन है, जिसके जरिए हम लोग एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस बना के उसको 1,00,000 बार एग्जीक्यूट करवा सकते। अगर ये हमारे पास सुविधा नहीं होती तो हमें 1,00,000 बार इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती, क्योंकि दूसरा कोई तरीका ही नहीं। तो अब हम बुद्धू जैसे बुद्धू राम तो है नहीं कि उस बुद्धू राम से खाली एक ही काम 1,00,000 बार करवाए, हम तो उसे कहना चाहते कि ये करो उसके बाद थोड़ा चेंज करके वो ये करो, थोड़ा चेंज करके ये करो, और हर इटरेशन में हम उसको चेंज बताना चाहते हैं ये चेंज करो, नहीं तो वो गधे जैसा वही काम करेगा 1,00,000 बार। हमें 1,00,000 बार में अलग अलग चीजें करवाना, तो इसलिए जो इसको इटरेशन बोलते हैं और रिपीटिशन में अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के जरिए ही हम 1,00,000 बार इटरेशन करवा के बुद्धू राम से कोई मीनिंगफुल काम करवा सकते। तो इस इटरेशन को बनाने के लिए अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, इस इटरेशन के शुरू होने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं और इस इटरेशन को बराबर काम होने के बाद बंद करने के लिए जो कंडीशन लिखी जाती हैं,
वो बड़ी महत्वपूर्ण। तो इटरेशन अगर आप स्पेसिफाई करना ठीक से सीख लिए तो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत कमांड आ जाए। इसके लिए ये जो लिखा है फैक्टोरियल एन, मैं थोड़ा एक बार इटरेशन जो है ये इटरेशन कंसेप्ट आपको थोड़ा ठीक से बताना चाहूंगा। एन फैक्टोरियल तो मालूम है आपको, इसको हमने लिखते हैं ठीक है, ये परिभाषा है फैक्टोरियल एन क्या, ये हमें कैलकुलेट करना। अब ये किस तरह से हम कैलकुलेट करें, ऐसी कोई और तरीका हमारे पास नहीं है कि जिसे हम बता सके कि एन हमें मालूम नहीं है शुरू में। कोई तो भी वैल्यू देगा एन के, आप आज बोलेंगे 50 का फैक्टोरियल निकालो, ये कहेंगे 27 का निकालो, तो ये जो 27 है 50 है हमें आज मालूम नहीं। अगर मालूम होता तो हम यही एक्सप्रेशन लिख देते उसको फैक्टोरियल एन और एफ एन इक्वल टू समथिंग कर। ये हमें अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो इटरेशन वाला तरीका है ये सबसे महत्वपूर्ण। तो इटरेशन वाला तरीका क्या है, ये फैक्टोरियल एन का इटरेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है। फैक्टोरियल एन को अगर हम लिखें तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × (n-1) × (n), ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये हुआ फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो इसका मतलब ये जो है ये दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन। अब इससे हमें एक इटरेशन सेटअप करने का तरीका मालूम हो गया कि हमारे पास अगर किसी एक नंबर का फैक्टोरियल है तो उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसके बाद का फैक्टोरियल आ जाए। तो इस तरह से फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं इटरेटिवली। तो हम शुरू करते हैं फैक्टोरियल वन से, ये वन फैक्टोरियल कितना होता है, एक। अब वो फैक्टोरियल टू कैलकुलेट करना है तो उसको हम कहेंगे फैक्टोरियल वन मल्टीप्लाइड बाय टू। थ्री फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का है, हम कहेंगे फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री। यानी पिछले स्टेप में हमने जो भी कैलकुलेट किया उसको यूज करके एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नए नंबर का फैक्टर मिलता। अब इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते जाएं तो कोई एक वेरिएबल लीजिए जैसे आय है, आय का फैक्टोरियल इस हिसाब से क्या होगा, आय माइनस वन फैक्टोरियल जो भी निकला वो मल्टीप्लाइड बाय आय, ठीक है। ये हमारी जनरल टर्म बन गई। अब इस फॉर्मूले को हम एग्जीक्यूट करते जाए, आय की वैल्यू बढ़ाते जाए 1, 2, 3, 4, 5, और हमें अगर एन फैक्टोरियल निकालना है तो एन तक बढ़ा दे तो हमें अंत में एन फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो वो जो फार्मूला जो हमने इसके ऊपर कंप्यूटर पे देखा था अभी, उस फार्मूले को इटरेशन के तरीके से लिखने के लिए ये जो हमारा इवैल्यूएशन है ये बड़ा काम का है। तो इसलिए आपको कोई भी इटरेशन लिखने के पहले इस तरह का फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा कि पिछले इटरेशन में हमने कुछ कैलकुलेट किया था उसको यूज करके क्या हम आगे की वैल्यू कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो आई माइनस वन है, ये आई माइनस वन फैक्टोरियल अगर हमने पिछले इटरेशन में कैलकुलेट किया है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई का फैक्टोरियल आ जाएगा और फिर उसको अगले इटरेशन में यूज कर सकते। तो इटरेशन को सेट करना ये थोड़ा दिमाग में सोचने की जरूरत है। अब आपको जो इटरेशन उसमें जो बताया गया है उस इटरेशन में हम काउंट कर सकते हैं, तो उस काउंट को लेके अगर अब हम वापस उस प्रोग्राम की तरफ जाए, ये देखिए ये जो है n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल स्टार्ट काउंट, स्टार काउंट। वहां पे हमने क्या लिखा था कागज पे, फैक्टोरियल i इक्वल टू फैक्टोरियल i माइनस वन इंटू i। मान लीजिए काउंट i है लेकिन इसमें दोनों तरफ n फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में जो n फैक्टोरियल है वो अभी आज की वैल्यू है, वो मान लीजिए i माइनस वन का फैक्टोरियल, उसको हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो बनेगा वो i का फैक्टोरियल होगा, पहले i माइनस वन का था तो ये नई वैल्यू हो गई।
और इटरेशन में हम सेटअप करें तो आगे जब जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, जब हम काउंट की वैल्यू बढ़ाने वाले हैं एक से, तो अपने आप वो आगे चलते चलते इटरेटिवली उसको कैलकुलेट करेगा। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है आपको? क्योंकि ये इटरेशन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है सिटी या यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से करेगा? अब देखिए, मान लीजिए एन फैक्टोरियल इक्वल टू वन नहीं लिखा हमने यहाँ, इनका सवाल है कि एन फैक्टोरियल इक्वल टू वन क्यों लिखा है शुरू में? अगर मान लीजिए नहीं लिखते तो क्या करते? तो सोच लीजिए कि हमने ऐसा नहीं लिखा, अब ये हमने चालू कर दिया इटरेशन, इस इटरेशन में काउंट इक्वल टू वन से चालू हो गया, मान लीजिए एन सिक्स है तो इसका मतलब वन जो है एन से कम है छः से, तो इसलिए इटरेशन के अंदर जाएगा। अंदर जाके जो हमारा डंबर करेगा क्या, वो एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय काउंट, ऐसा कैलकुलेशन करना है उसको। काउंट की वैल्यू तो एक है, एन फैक्टोरियल की उस समय क्या वैल्यू है? शुरू में एन फैक्टोरियल की कोई वैल्यू नहीं, अब उसने तो क्या करना है कि वो जो दराज है उसका वो दराज खोलना है, एन फैक्टोरियल जहां लिखा है। मान लीजिए आपके पहले किसी ने प्रोग्राम रन किया था, इस भाई साहब ने, और 300,000 वैल्यू रख छोड़ी थी उस दराज में, तो डंबो तो डंबो है, वो जाएगा एन फैक्टोरियल के दराज में, उसको खोलेगा क्या है भाई, 300,000, 300,000 से शुरू कर दे तो आपके फैक्टोरियल की तो 12 बज गई। तो इसलिए आपके जो भी मेमोरी दराज हो उनमें कभी भी पुरानी वैल्यूज लेने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए डंबो। हर दराज जो खोलेगा आपके प्रोग्राम में दी हुई वैल्यू उसमें होना चाहिए। अब ये आप इटरेशन सेटअप कर रहे हैं, तो ये इटरेशन आप यहां पे भी देखें, आप इसको देखते हैं, ये जो इटरेटिव फॉर्मूला है वो कहां से शुरू हुआ है? वो यहां से शुरू हुआ है। फैक्टोरियल टू ये फैक्टोरियल वन के संदर्भ में डिफाइन किया गया, फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल टू के संदर्भ में डिफाइन किया गया। जो आप वो फॉर के इटरेशन के अंदर जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं वो लिखा है वॉट एवर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आई, राइट। अब ये आई की वैल्यू तो दो है, लेकिन इस फैक्टोरियल की शुरू की वैल्यू क्या है? इस बार करने के बाद में आपको ये मिल जाएगी, तो अगले टाइम में जब आप यहां आएंगे तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल टू रहेगी, इसके बाद जब आप यहां आएंगे तो फैक्टोरियल थ्री रहेगी, लेकिन शुरू में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम शुरू में इसको बोल देते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज। ये इस स्टेप की वैल्यू। इन्होंने जो सवाल पूछा है बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई भी हम इटरेशन लिखते हैं, इटरेशन की हिदायत कंप्यूटर को देते हैं, तो इटरेशन के शुरू में वो इटरेशन तो अपने 1,00,000 बार 10 बार 50 बार जितना भी आप कहेंगे उतने बार घूमेगा वो, लेकिन उसको शुरू करने के लिए हैंडल लगाना पड़ता है, वो हैंडल लगाने के लिए पहली वैल्यू अलग से दी जानी चाहिए, क्योंकि पहली वैल्यू इटरेटिवली डिफाइन नहीं हुई है, वैल्यू इटरेटिवली यहां से डिफाइन हो रही है कि फैक्टोरियल आई इज इक्वल टू फैक्टोरियल आई माइनस वन इंटू आई। लेकिन कोई इस फॉर्मूले में एक जगह आ जाती है कि जहां वैल्यू डिफाइन नहीं है, फैक्टोरियल जीरो उसकी वैल्यू वन है, इट इज नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल माइनस वन, एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन है, इनिशियल वैल्यू। इसलिए आप अगर इस प्रोग्राम को देखें यहां, तो इसको आप मन में पढ़ना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि एन फैक्टोरियल ऑफ नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ऑफ प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, that is the meaning of this statement, it's an assignment statement, but this will happen once you start iteration, lekin iteration ke pehle shuru karne se pehle kick start bolte hain usko, uske liye jo initial value kuch hame dena padti hai, aur hum jante hain ki initial value jo hai factorial zero ho sakti hai, wo initial value humne yahan pe n factorial equal to 1 karke usko assign kar, ye agar hum assign nahi karenge to daraj jo n factorial naam ke drawer mein jo bhi value padi hogi वो हमारा डंबो ले लेगा, उसको यूज करेगा, तो हमारे रिजल्ट गलत हो जाएंगे। मतलब ये जानना याद रखना बहुत जरूरी है कि जो दराज होते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ड्रावर्स खाली नहीं रहते, हर ड्रावर में कुछ ना कुछ कचरा भरा है, मेरे प्रोग्राम चलाने से पहले इनका प्रोग्राम चल रहा होगा, इन्होंने जो भी कचरा उसमें भरा रखा है भरा है, वो कोई जाएगा नहीं अपने आप, वो वैल्यू जीरो नहीं होती अपने आप, अगर जीरो चाहिए वन चाहिए टेन चाहिए तो हमें करनी पड़ती है, इसलिए जो इनिशियल असाइनमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इटरेशन के बारे में दो चीजें हम कहेंगे, इटरेशन शुरू के करने से पहले कुछ इनिशियल वैल्यू सेटअप करनी पड़ती है हमें,
उस सेटअप करने के बाद इटरेशन के अंदर, हर इटरेशन में अंदर क्या क्या कैलकुलेशन होगा वो सेटअप करना पड़ता है, और वो इटरेशन चलाने के लिए, धक्का मारने के लिए इटरेशन कंट्रोल होता है कि भाई इस इटरेशन को काउंट इक्वल टू एक से चालू करो, हर बार इटरेशन में काउंट एक एक से बढ़ाते जाओ, और ऐसे तब तक करते रहो जब तक काउंट की वैल्यू एन से कम है। ये जो इटरेशन है ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन, इससे आप कंप्यूटर से 1 लाख, 50 लाख, 10 लाख जितनी भी बार जो भी है इटरेटिवली काम करवा सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंटली आपको इटरेशन के अंदर की जो इंस्ट्रक्शन है वो ठीक से लिखनी पड़ेगी। वो लिखने में अगर आपने गलती कर दी, या उस इटरेशन को शुरू करने से पहले किक स्टार्ट करने में आपने इनिशियलाइजेशन में गलती कर दी, तो आपका इटरेशन चलेगा। सो इज दैट क्लियर? या हाँ, इनका कहना यह है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लिखा है, यहां लिखने की जगह हमने यहां डिफाइन किया है कि कैपिटल n, काउंट n फैक्टोरियल, ये सब इंटीजर नंबर होंगे, यहीं पे किया जा सकता था n फैक्टोरियल इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। और ये अपने अपने लिखने के तरीके के ऊपर, तो जैसे आप चाहें कि इनिशियलाइजेशन जो है उसके डिक्लेरेशन के साथ में भी हो, किया जा सकता है। अगर आप चाहें डिक्लेरेशन जो है सब अलग से एक जगह हो, मतलब पढ़ने वालों को पता चल जाए कि इस पूरे प्रोग्राम में हमने इन इन नामों के ड्रॉअर्स यूज किए हैं, और इनिशियलाइजेशन जो है वो अलग अपनी जगह हो, तो वैसे भी आप कर सकते, दोनों ही सही है। सो इज दिस क्लियर नाउ? बिल्डिंग इटरेशन बिकॉज इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन ऑल योर प्रोग्राम, बिलीव मी, इफ यू अंडरस्टैंड कंडीशनल एग्जीक्यूशन, इफ देन एल्स किस तरह से वापरा जाता है डम्बो को हिदायत देने के लिए, और इटरेशन किस तरह से इटरेशन सेटअप किया जा सकता है, ये दो चीज आपको समझ में आ गई तो पूरे प्रोग्रामिंग में आगे कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं चीजों का वेरिएशन यूज करके अलग अलग तरीके के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो ये फॉर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, इसके आगे हमने अब ये टर्टल का भी हम इस क्लास में कोई ज्यादा ये नहीं करेंगे। ये टर्टल जो हमने इंट्रोड्यूस किया था वो इसके लिए किया था कि आपको थोड़ा हंसी खेल में आप कुछ समझ सको प्रोग्राम, तो टर्टल की एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे 600 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इस क्लास में पढ़ेंगे C++। तो टर्टल खाली आपको, और आपने देखा होगा कि वो इजी है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, टर्टल प्रोग्राम किए आपने, लिखे फॉरवर्ड ये वो सब, वही डम्बो जो है, ये डम्बो थोड़ा ड्राइंग वाइंग निकालता है और उसमें अलग अलग पैटर्न निकाल जा सकते हैं, उसमें रिपीटिशन जो है वो रिपीटिशन बिल्कुल इसी तरीके का है, हालांकि रिपीटिशन लिखने का तरीका अलग है उस डम्बो। सो टर्टल डम्बो अलग भाषा समझते, तो ये वही हो गया कि वो ये तेलुगु समझते, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, तो टर्टल डम्बो जो है उसकी भाषा में कुछ हिदायत तो देने का स्वरूप अलग है, बाकी वो है एक ही चीज़।